नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीनिवास धाम में टोकन से जुड़ी अव्यवस्था और एक चमत्कार के बारे में। भगत जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कुछ लोग शिकायत करते हैं कि वह पहले आ जाते हैं और उन्हें टोकन नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए भगत जी ने बताया कि वह पहले आ तो जरूर जाते हैं, लेकिन रात को जब टोकन बंटते हैं तो वह सो जाते हैं और बाद में आने वाले लोग लाइन में लग कर टोकन ले जाते हैं। 500 टोकन पूरे होने के बाद जो पहले आए हुए होते हैं उन्हें टोकन नहीं मिल पाते हैं और वह लेट हो जाते हैं, उन्हें ज़्यादा समय तक धाम पर रुकना पड़ता है। इसके लिए धाम पर टोकन से जुड़ी अन्य व्यवस्था भी शुरू की जा सकती हैं। इसके लिए धाम पर जाने वाले 10 लोगों को इकट्ठा कर उनसे पूछा जाएगा कि टोकन की व्यवस्था कैसे की जाए, जिससे अमीर और गरीब में समानता भी बनी रहे और टोकन से जुड़ी अव्यवस्था भी देखने को न मिले। इसके लिए भगत जी ने कहा है आगे यह योजना शुरू की जा सकती है। श्रीनिवास धाम जो भगत जी के खेत में बन रहा है, पंचतत्व धाम, वह भी लगभग आधा बन चुका है, जल्द ही तैयार हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पर झाड़े लगने शुरू होंगे। अब आने वाले लोगों को गांव श्रीनिवास में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर ठहरने और टॉयलेट जैसी अव्यवस्था का भी सामना करना पड़ता है। यह अव्यवस्था ही जल्द ही दूर की जाएगी। जो श्रीनिवास धाम पर 3 झाड़े लगवा लेते हैं उन्हें पूर्ण रूप से आराम देखने को मिलता है। भगत जी बता रहे थे कि एक राजस्थान का व्यक्ति, भरतपुर साइड का, उसे आंखों से बहुत ही कम दिखाई देता था। वह 2 दिन रुककर लगातार उसने 3 झाड़े लगवाए। उसके बाद उसे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ और दिखाई भी देने लगा। तो श्रीनिवास धाम में ऐसे चमत्कार प्रतिदिन होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को शारीरिक समस्या है तो वह धाम पर जाएं और भगत जी से झाड़ा लगवाकर स्वास्थ्य लाभ पाएं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।